Pakistan. I have been asked to say something in Urdu too. Khawateen o Hazrat, jaisa ke is saal ki theme hai International Customs Day ki, iske piche ye bahut important hai, jo initiatives jo humne FBR mein liye hain, जो ऑटोमेशन से रिलेट करते हैं और डेटा शेयरिंग से रिलेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया जब आगे तरक्की करके गई है तो वो इन्हीं इनिशिएटिव्स की बेसिस पे गई है। ये जो चीज़ें अब हम ऑटोमेट कर रहे हैं कस्टम्स पे में भी और इनलैंड रेवेन्यू में भी, जो हमारा टैक्स गैप है पाकिस्तान का, ये इंशाल्लाह ये अगले बहुत ही कम अरसे में हम इसको, इस गैप को ब्रिज करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हमें रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स की कंप्रेशन हुई हुई है, लेकिन हम कमिटेड हैं। हमारा जो एनुअल टारगेट है 7.470 ट्रिलियन, इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव करेंगे। हमने इनकम टैक्स की साइड पे, डायरेक्ट टैक्सेस साइड पे, इस दफ़ा जो पिछला बजट था उसमें बहुत सारी तरामीम ऐसी की थीं जिसमें अब जो कलेक्शन का शिफ्ट है वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हो गया है। आपको पता होगा कि पहले हमेशा हमारी जो रिलायंस थी, हमारा जो इन्हसार था, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का था। सो ये पहला साल होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा होगी। मैं एक दफ़ा फिर इस तकरीब के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और मुझे ये उम्मीद है कि अभी जितनी बातें हुई हैं और जो हमारा रिजॉल्व है, इंशाल्लाह हमारे जो यंग ऑफिसर्स जो यहां बैठे हुए हैं और पूरी बाकी फील्ड फॉर्मेशंस में भी, इंशाल्लाह वो कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन FBR आसिम अहमद।